हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनूप स्टडी जोन इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफ़ेयर्स जुलाई और अगस्त महीने के ठीक है तो बिना देर के चलते अपने टॉपिक पे पहला है हमारा चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान शुरू किया गया है तो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान क्या है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन के लिए चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान जो है प्रारंभ किया गया है इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग छात्राओं को परामर्श भी देगा और छात्राओं को जो है चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के तहत परामर्श देने के लिए महिलाएं अध्यापिकाएं भी नामित की जाएंगी महिला विश्वविद्यालयों में जो है हेल्थ क्लब बनेंगे वह सब शिक्षा वाले महाविद्यालयों में बालिका हेल्थ क्लब गठित होंगे जिनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं को प्राथमिक उपचार की प्रशिक्षित किया जाएगा नेक्स्ट है हमारा नोएडा में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइड पार्क तो उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा तो नोएडा में बनाया जाएगा इस बात को याद रखिएगा आप लोग प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा में बनाया जाएगा इस पार्क से बनने से जो है उत्तर प्रदेश अब दवा उत्पाद व चिकित्सा कार्य में प्रयोग आने वाले उपकरणों का हब बन सकेगा आपको बता दें कि नोएडा में बनाए जाने वाले इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है स्टार्टअप केंद्र भी बनाया जाएगा नेक्स्ट है हमारा विंध्यवासिनी देवी मंदिर के लिए एक करोड़ रुपए की परियोजना लागू की गई है तो हाल ही में मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर तथा वहां जाने वाले रास्तों व गलियों के कायाकल्प के लिए महंगी निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल को मंजूरी देने के साथ साथ जो है सरकार ने कुल एक करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है विंधवासिनी मंदिर को जाने वाले रास्तों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण की ओर से मरम्मत से संबंधित परियोजना के लिए चालीस दशमलव तीन आठ करोड़ रुपए और मंदिर के परकोटा के व परिक्रमण पथ के लिए जो है निर्माण के लिए जो है पैंतालीस दशमलव सात पाँच करोड़ रुपए तथा गलियों के सुंदरीकरण के लिए इकतालीस दशमलव आठ सात करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिति व कल्याण विधेयक 2021 जो है लागू किया जाने वाला है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थितिकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप जो है मुख्यमंत्री को दिया है इसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की बात कही गई है और दो बच्चों वाले परिवार को जो है सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जबकि दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवार को जो है सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति के लिए प्रतिबंध होगा और ऐसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे बात करें आगे तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य सुविधा देने के लिए यह जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी थी ठीक है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने विधेयक का प्रारूप तैयार कर उस पर सुझाव मांगे थे करीब 8500 सुझावों में से 99.5 फीसदी लोगों ने कानून बनाने के पक्ष में जो है मतदान किया था नेक्स्ट हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का तीसरा सर्वोच्च संस्थान बना तो भारत के शिक्षा संस्थानों में इस बार तीसरी स्थान जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ साथ ही वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को अध्ययन के आधार पर देश के पहले सर्वोत्तम शिक्षा स्थान का दर्जा दिया गया है तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो कि ए है इसकी जो है दो की लिस्ट में कलकत्ता विश्वविद्यालय देश में दूसरे स्थान पर रहा बता आपको बता दें कि ए की तरफ से प्रत्येक वर्ष दुनिया में कम से कम एक हज़ार विश्वविद्यालय एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों को साथ लेकर समीक्षा की जाती है ठीक है नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर अब सत्तर साल पर रिटायर होंगे तो ये बड़ी सूचना है तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसको उत्तर प्रदेश के जो है सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब डॉक्टर सत्तर साल पर रिटायर होंगे आपको बता दें कि अभी सेनानिवृत्त आयु जो है पैंसठ वर्ष ही है कोरोना के बाद डेंगू चिकन गुनिया कालाजार के साथ साथ स्क्रब टाइफस व लेप्टोसाइरोसिस जैसे संक्रामक रोगों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए डॉक्टरों की जरूरत है तो ऐसे में इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं होगी नेक्स्ट हमारा हर मंडल में खुलेगा राज्य विश्वविद्यालय तो प्रदेश के जिन मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इसी तरह कम सकल व नामांकन दर वाले 26 जिलों में मॉडल राजकीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों कॉलेजों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि एच के क्लस्टर नॉलेज हब स्थानांतरित कर उच्च शिक्षा के विखंडन को खत्म किया जाएगा इसी तर्ज पर हाल ही में आजमगढ़ में कहाँ पे आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है नेक्स्ट यूपी की ओडीओपी योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई तो कौन नियुक्त हुई भाई वो है कंगना रनौत तो राज्य के एक उत्पाद एक जनपद यानी कि ओडीओपी योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है ओडीओपी योजना का उद्देश्य जो है राज्य की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना है जो देश में कहीं और से उपलब्ध नहीं है ठीक है नेक्स्ट है हमारा सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन बनाया, तो रे, रे, बनाया, तो बनाया जा रहा है तो सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन कहाँ पे बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है आपका गाज़ियाबाद में तो गाज़ियाबाद में सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन बनाया जा रहा है तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग गाज़ियाबाद जिले की सीमा में जो है रैपिड रेल कुल सात स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिनमें सहीबाबाद गाजियाबाद गुलधर धुलई सॉरी दुधई मुरादनगर मोदीनगर दक्षिण व मोदीनगर उत्तरी स्टेशन भी शामिल रहेंगे सबसे ऊँचे बनाए जा रहे इस स्टेशन पर होटल होंगे टेस्ट्रा होंगे शोरूम समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी करीब सत्ताईस सौ वर्ग फीट मीटर जो है इसकी जमीन पर जो है स्टेशन के साथ पांच मंजिला का एक मॉल भी बनाया जाएगा नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश के नौ स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय तो नौ स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे तो एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने के लिए रेल मंत्रालय देश के उनचास और स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाएगा दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के नौ स्टेशनों को शामिल किया गया है इसमें नौ स्टेशन हैं गोंडा बरेली मेरठ सिटी मुरादनगर मुरादाबाद दीनदयाल उपाध्याय नगर गोरखपुर अलीगढ़ मथुरा व आगरा फोर्ट की स्टेशन भी शामिल होंगे नेक्स्ट हमारा है मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान शुरू किया गया है तो मेरा शहर मेरी पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान क्या है तो ये है पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान चलाया जाएगा आपको बता दें कि 2022 से 23 तक उत्तर प्रदेश में जो है 35 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है तथा पौधा रोपण के लिए हर तहसील में लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा है देश का सबसे बड़ा डिस्टलिट प्लांट लगाया जा रहा है तो ये प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है भाई गोंडा में लगाया जा रहा है कहाँ पे गोंडा में किसानों को समय से गन्ना मूल्य का भुगतान कराने व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए चीनी मिल में जो है चार करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा डिस्टलरी प्लांट लगाया जाएगा और इसकी क्षमता जो है 350 किलोलीटर होगी इस प्लांट में गन्ने के जूस चीनी के घोल जौ मक्का एथेनॉल बनाया जाएगा तथा तो यह मई 2027 में बनकर तैयार होगा नेक्स्ट हमारा है देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय तो देश का पहला कौशल विश्व विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा तो ये है काशी में वाराणसी यानी काशी में खुलेगा जो कि वाराणसी में है तो देश वि, के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना जो है काशी यानी वाराणसी में की जाएगी और रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टी के नाम से रजवाड़ी चौबेपुर में दर्ज भूमि पर इसका निर्माण होगा नेक्स्ट हमारा है आई कानपुर ने बनाया फाइटर रोबोट तो फाइटर रोबोट बनाया है तो फाइटर रोबोट के बारे में जानकारी कर लेते हैं हम लोग कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिक इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर व छात्रों ने फाइटर रोबोट का निर्माण किया है जो एक सेकंड में पाँच गोलियां दाग सकता है यह रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तथा गणितीय मॉडलिंग से लैस है और इसमें लिडार थ्री कैमरा माइक्रो प्रोसेसर व सेंसर भी लगे हैं लेजर लाइट वह ऑटोमेटिक बेटल सेटिंग से इसका निशाना अचूक होता है यह रोबोट का प्रोटोटाइप मॉडल है जिसमें फाइबर की गोलियां निकलती है क्योंकि भविष्य में अत्याधुनिक संसाधनों से लड़े जाने वाले युद्धों को देखते हुए इसे अहम माना जा रहा है ठीक है तो नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को लिया दो तक गोद यानी कि दो तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को गोद लिया है ओलंपिक में जो है उत्तर प्रदेश के पहलवानों की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती की दशा व दिशा सुधारने के क्रम में 2032 तक इस खेल को गोद लिया है कुश्ती को गोद लेने वाली प्रदेश सरकार के पहलवानों को समर्थन तथा बुनियादी ढांचे के लिए 2032 तक ओलंपिक तक जो है 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इसके लिए लखनऊ में कुश्ती एकेडमी बनाकर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी ठीक है नेक्स्ट हमारा है वाराणसी के पिंडरा में बनेगा बौद्ध मंदिर तो वाराणसी के पिंडरा में बनेगा बौद्ध मंदिर तो ये किसके द्वारा बनवाया जा रहा है भाई ये भूटान सरकार द्वारा जो है वाराणसी ज़िले में पिंडरा में जो है बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और बौद्ध अनुयायियों को रहने के लिए परिसर में गेस्ट हाउस भी बनेगा और इस मंदिर के बनने से जो है स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जा रहा है नेक्स्ट हमारा है स्नातक के छात्रों की पढ़ाई में जुड़ा और एक विषय तो यानी कि स्नातक के जो छात्रों होंगे उनमें जो है पढ़ाई के लिए एक और विषय जुड़ा है तो चलिए इसके विषय में बात करते हैं प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में स्नातक अंतिम सेमेस्टर के मानव विज्ञान विभाग के छात्रों को पौधा रोपण की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी तो यानी कि जो सब्जेक्ट जुड़ा है वो क्या है पौधा रोपण की पढ़ाई ठीक है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी के विषय विशे, विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा विभाग से इसकी संतुति की है और ताकि जो कि पढ़ाई में जो है साथ साथ छात्र छात्राएं पर्यावरण सामाजिक समस्या व पौधारोपण की जमीनी हकीकत से रूबरू हो सकें ठीक है नेक्स्ट पूर्वांचल बनेगा सब्जी निर्यात केंद्र पूर्वांचल अब जो है बनेगा सब्जी निर्यात केंद्र तो यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा औद्योगिकीकरण के लिए दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है लेकिन यहाँ कृषि की भूमि दुनिया की सबसे अधिक उर्वर है इसमें आर्गेनिक खेती की पर्याप्त संभावना है यहाँ उगाई जाने वाली सब्ज़ियाँ निर्यात यूरोपीय व खाड़ी देशों की तक किया जा रहा है और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य व कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर यहाँ की उपज की निर्यात की रणनीति तैयार की है नेक्स्ट पिछड़े यानी पिछड़ा वर्ग जो होता था ओबीसी ओबीसी में जुड़ने जा रही है आठ और जातियाँ कितनी जातियाँ जुड़ेंगी अब ओबीसी में आठ और जातियाँ जुड़ेंगी तो आठ और जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने पर प्रदेश सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है आपको बता दें कि वर्तमान में पिछड़ी वर्ग सूची में जो है सेवेंटी नाइन जातियाँ हैं कितनी जातियाँ है? ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि कितनी जातियाँ हैं वर्तमान में सेवेंटी नाइन जुड़ने कितनी जा रही हैं तो आठ और जुड़ने जा रही हैं ठीक है नेक्स्ट देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जो है बी में बनेगा तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले औषधि गुड़ों से भरपूर तमाम दुर्लभ पौधों की पहचान तथा संरक्षण के लिए देश की पहली हाइपर डिजिटल लाइब्रेरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बी में बनाई गई है यह एक ऐप है ठीक है यह एक ऐप है जिससे पौधे की वास्तविकता लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा तथा इस पर निगाह भी रखी जा सकेगी ठीक है नेक्स्ट कच्चे तेल के भंडार का संकेत मिला बलिया में तो कच्चे तेल का भंडार का संकेत कहाँ पर मिला है बलिया में तो बलिया में भूगर्भ में जो है कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है होने के संकेत मिले हैं यह सर्वेक्षण ओ की टीम द्वारा किया गया है आयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओ ने शहर में शहर से सटे हैबतपुर गांव में कच्चे तेल का अकूत भंडार देख होने का जो है दावा किया है और इस टीम ने जो है सर्वे करके करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें जमीन के चार किलोमीटर के नीचे भरी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मौजूद होने का संकेत मिला है नेक्स्ट प्रदेश में पांच नए आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित होंगे तो यानी कि प्रदेश में जो है पांच नए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की जाएगी और ये विद्यालय कन्नौज गौतम बुद्ध नगर शाहजहांपुर सुल्तानपुर व मिर्जापुर में भी स्थापित होंगे तो कहाँ पर भी मिर्जापुर में भी स्थापित होंगे नेक्स्ट उत्तर प्रदेश बना देश का छठवां बड़ा निर्यातक तो उत्तर प्रदेश देश का बना छठवां बड़ा निर्यातक तो इसके बारे में चलिए जानते हैं चालू वित्त वर्ष में अप्रैल एवं मई राज्य से इक्कीस हजार पाँच सौ दशमलव आठ पाँच करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है जबकि पिछले वर्ष जो है आठ हजार पाँच सौ ग्यारह दशमलव तीन चार करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया गया था इस चालू वित्तीय वर्ष में जो है निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले एक सौ बावन दशमलव छः सात फीसदी अधिक है देश के प्रमुख निर्यातक राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है छठे स्थान पर है नेपाल बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने कोरोना काल दौरान उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या में ऑडियो उत्पाद मंगवाया नेक्स्ट उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2020 तो उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा 2020 में पुरस्कृत होने वाले विद्वानों की सूची के अनुसार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार से प्रदान किया गया है तो ये इस बात को याद रखिएगा कि प्रोफेसर प्रकाश पांडे को जो है विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसकी सम्मान में जो है पाँच लाख एक हज़ार रुपये प्रदान किए गए हैं वहीं दो लाख एक हज़ार रुपये की धनराशि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार गाज़ियाबाद के डॉक्टर विशन लाल गोड़ को दिया जाएगा और दो लाख एक हज़ार रुपये धनराशि का जो है महर्षि व्यास पुरस्कार जो है वाराणसी के डॉक्टर कमला पांडे को मिलेगा तो ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा हालो मिक्स फार्मूला तो हालो मिक्स फार्मूला ये हालो मिक्स फार्मूला है क्या चलिए बात करते हैं इसके बारे में तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केंद्रीय अनुसंधान इकाइयों के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की ओर से हालो मिक्स नाम से एक नया फार्मूला तैयार किया गया है इसका उपयोग जो है ऊसर जमीन से जिप्सम के स्थान पर किया जाएगा और इससे जो है कम समय में जहां ऊसर भूमि में कमी आएगी वहीं उत्पादन में 10 से 15 फीसद का इजाफा भी होगा और इसके उत्पादन के लिए हैदराबाद कहाँ की कंपनी एक हैदराबाद की कंपनी के साथ समझौता किया गया है आपको बता दें कि देश में सड़सठ लाख हेक्टेयर उसर भूमि है और इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में तेरह दशमलव सात लाख हेक्टेयर जमीन है नेक्स्ट प्रदेश की पहली एंटी रेबीज़ प्रयोगशाला तो प्रदेश की पहली एंटी रेबीज़ प्रयोगशाला भाई कहाँ पे लखनऊ में कहाँ पे लखनऊ तो लखनऊ के आशियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में जो है प्रथम एंटी रेबीज़ लैब बनाई जाएगी और लैब के शुरुआत होने के बाद रेबीज़ से जुड़ी जांचों को जो है दिल्ली व अन्य शहरों में भेजने के झंझट से निजात मिलेगा त्वरित तो जांच के साथ ही बीमारी का बेहतर इलाज भी पीड़ित को मुहैया करवाना संभव हो सकेगा ज्ञात हो रेबीज जो है एक वायरल डिसीज़ है जो कि कुत्तों बंदरों आदि के काटने से फैलता है और रेबिस से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं और तथा वह जोर जोर से चिल्लाने का व्यवहार भी करता है नेक्स्ट प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय तो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय तो इसके बारे में जानते हैं हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में कहां पे गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी तथा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी किया आपको बता दें कि प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है नेक्स्ट प्रदेश की पहली फिल्म सिटी तो यमुना एक्सप्रेसवे वे प्राधिकरण क्षेत्र यानी ईडा के सेक्टर ट्वेंटी वन में फिल्म सिटी का निर्माण जनवरी 2022 में शुरू हो जाएगा और यह फिल्म सिटी जो है पीपीपी मॉडल पर तीन चरणों में विकसित किया जाएगा तथा तो इस पर 6000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा यह फिल्म सिटी जो है 1000 एकड़ में बन रही है नेक्स्ट की बात करते हैं ललितपुर में बनेगा हवाई अड्डा तो ललितपुर की हवाई पट्टी को भारतीय विमानपतनम प्राधिकरण की प्रिफिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में ए टी आर सेवेंटी टू प्रकार के छोटे वायुयानों के लिए हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि ललितपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा नीदरलैंड्स उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा और यहाँ जो है डेयरी तकनीकी के किसानों को पारंगत करते हुए प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा बता दें कि आपको कि उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड्स कई क्षेत्रों से मिलकर काम करते रहे हैं और प्रदेश में रिन्यूअल एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के स्रोत में भी काम कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के साथ पुष्प उत्पाद तथा डेयरी उपयोग के आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किसान की आय को दोगुना करने में मददगार सिद्ध होगा नेक्स्ट डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है तो किसे की गई है चलिए देखते हैं इसके बारे में सेना के लिए लद्दाख में सूर्य के ताप में गर्म होने वाले हीटेड मिलिट्री टेंट बनाकर चर्चा में आए इंजीनियर व सोलर इनोवेटर सोनम वांगचूक कौन भाई सोनम वांगचूक को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की गई है यह उपाधि उन्हें 26 अगस्त को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आ, प्रदान की आपको बता दें कि लद्दाख में सोनम वांगचुक पर 2009 में थ्री एडियट फिल्म बन चुकी है तो थ्री एडियट फिल्म भाई इन्हीं पर ही डायरेक्ट है इस फिल्म में जो है अभिनेता आमिर खान ने टेंचो के रूप में उनका किरदार निभाया था ठीक है नेक्स्ट देश का प्रथम पुलिस नियंत्रण कक्ष उत्तर प्रदेश आई एस प्रमाणीकरण के साथ इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस नियंत्रण कक्ष बन गया है तथा 9,001 हज़ार एक प्रमाणीकरण बी द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें उत्तर प्रदेश सौ को सेवा एवं त्वरित प्रतिक्रिया हेतु 45 दिनों तक परीक्षण के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान किया है ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सौ में लगे लगभग अठारह हजार पुलिस कर्मियों को तैनात है और एक समय में लगभग नौ हजार कर्मी कार्यरत रहते हैं आई एस ओ भाई आई एस ओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ठीक है नेक्स्ट देश में सबसे ज़्यादा निवेश वाला ज़िला बना नोएडा तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि देश में सबसे ज़्यादा निवेश वाला जिला बना नोएडा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जो है बीते साढ़े चार साल में चौसठ हज़ार तीन सौ बासठ करोड़ रुपए का निवेश आया है इस तरह नोएडा ने देश में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश कराने वाला जिला बन गया है और इस निवेश से जो है ज़िले में चार लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की पहली सी प्लेन सेवा तो वाराणसी से गोरखपुर के बीच सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी इम्पॉर्टेंट है इस बात को याद रखिएगा आप लोग सी प्लेन पानी और ज़मीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है और दोनों ही जगह इसे लैंड कराया जा सकता है इस प्लेन को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती है 300 मीटर लंबे जलाशय से भी उड़ान व लैंडिंग की जा सकती है नेक्स्ट गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना तो प्रदेश सरकार ने शहरों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए तथा कूड़े के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए गंदगी फैलाने वालों पर 500 सौ से दो हज़ार तक के जुर्माने लगाने का फैसला किया है साथ ही लोगों को कूड़ा उठवाने के लिए तय शुल्क भी देना होगा नेक्स्ट प्रदेश में थ्री सॉरी प्रदेश में थ्री मॉडल पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज प्रदेश में ऐसे 16 जिले जहां अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहां अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी थ्री पी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे जिन 16 जिलों में थ्री पी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा उनमें हैं बलिया बागपत भदोही हमीरपुर चित्रकूट हाथरस काशगंज महाराजगंज महोबा मैनपुरी मऊ रामपुर संभल संत कबीरनगर शामली व श्रावस्ती शामिल है नेक्स्ट प्रदेश में अब साहित्यिक युवाओं को सीएम एम एडवेंच अवार्ड भी दिया जाएगा यानी कि खेलकूद में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा कल्याण विभाग केंद्र सरकार ने तेंजिंग ना नांगे अवार्ड की तर्ज पर जल थल व नभ में साहसिक काम करने वाले प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा यानी कि युवा कल्याण विभाग विवेकानंद यूथ अवार्ड यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो थे इन्हें सम्मानित युवाओं के नाम पर उनके गांव व मोहल्ले में जाने वाली सड़क के नाम पर रखा गया है इसके अलावा विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित युवाओं को सरकारी नौकरी में कोटा दिए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है राज्य युवा आयोग का गठन भी किया जाएगा नेक्स्ट प्रोफेसर अरु शुक्ला को शांति स्वरूप भटनाकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आईआईटी कानपुर ने वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अरु अरुण शुक्ला को बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनाकर पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा और बता दें कि आपको कि मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले अरुण शुक्ला को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बी एस बी ई यानी कि बायो साइंस एवं बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं ये ठीक है नेक्स्ट आत्मनिर्भर समन्वित विकास योजना प्रदेश के सत्ताईस लाख से अधिक किसानों को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ मिलेगा इसके लिए सरकार जो है सात सौ बाईस दशमलव आठ पांच करोड़ रुपए खर्च करेगी चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गई है नेक्स्ट हमारा है हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त के लिए केंद्र को आठ नामों की सिफारिश की है इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंद जो हैं वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं नेक्स्ट बदायूं में मिला चौदह वर्ष पुराना पुरातात्विक स्थल तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिलों में एक टीले पर गुप्त काल के बाद पुरातात्विक स्थल खोजा है और यह यह स्थान जो है बदायूं जिले में गंगा नदी के पूर्वी तट स्थित गांव खेड़ा जलालपुर में है नेक्स्ट दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 18 शहरों से गुजरेगी तो लखनऊ समेत जो है उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन शहरों एक हज़ार तिरासी किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और प्रोजेक्ट पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन परियोजना होगी यह पाइपलाइन पश्चिमी तट से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बाटलिंग प्लांट पर पाइपलाइन के माध्यम से एल की आपूर्ति करेगा उत्तर प्रदेश अठारह जिलों से जो है गुजरने वाली कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के लिए संबंधित इससे जलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की जुड़ी समस्याओं को तेजी से निरात्रण करने के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है पाइपलाइन ललितपुर झांसी कानपुर देहात जालौन कानपुर नगर उन्नाव लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़ प्रयागराज भदोही नागपुर वाराणसी गाजीपुर आजमगढ़ मऊ गोरखपुर देवरिया तथा छियालीस तहसील और नौ सौ छाछठ गाँवों से होकर गुजरेगी ठीक है नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश के किन्नर कल्याण बोर्ड की गठित की गई है और प्रदेश में जो है किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और इस बोर्ड के चेयरमैन समाज कल्याण मंत्री होंगे ठीक है इस बोर्ड का गठन जो है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में किया जाएगा और इस बोर्ड का उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री की ओर से नामित कोई किन्नर ही होगा ठीक है यह बोर्ड जो है किन्नरों के हित में नीतियों को विभाग विभागों में लागू करवाएगा और इसके साथ ही जो है किन्नरों के शैक्षिक सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता से तेरह सदस्यीय समिति गठित होंगी नेक्स्ट हमारा है महिला सामर्थ्य योजना तो महिला सामर्थ्य योजना क्या है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना लागू करेगी योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे जिनका संचालन महिलाएँ करेंगी सरकार के दो करोड़ रुपये से शुरुआती निवेश के प्रदेश में चार डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे जिनमें करीब सवा लाख महिलाओं को रोजगार मिलेगा नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का दूसरा केंद्र बनेगा तो भाई कौन सा बनेगा गांव तो जेपी का गांव जेपी का गांव जो है राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का दूसरा केंद्र बनेगा ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इसका ठीक है लोकनारायण जयप्रकाश नारायण का प्रत्येक गांव पलिया उत्तर प्रदेश देश का जो है दूसरा झंडा निर्माण केंद्र बनेगा अभी तक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो है कर्नाटक में हुबली शहर के वे में होता था यानी कि ये याद रखिएगा भाई कि पहला जो है कर्नाटक में हुबली शहर के वेंगेटी में होता है कर्नाटक की खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यह तिरंगा बनाया जाता है सॉरी बनाता है और वर्तमान में पूरे देश में यहीं से राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति की जाती है केंद्र सरकार ने जय प्रकाश नारायण को गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक, तो, एक अक्टूबर 2016 को सात बड़ी परियोजनाएं शुरू की थी इसके तहत जो है जेपी के पैतृक घर से वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा और इसके अलावा तीस एकड़ में जो है चित्र संग्रहालय राष्ट्रीय झंडा निर्माण केंद्र पंचायती राज शोध संस्थान या राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग सेंटर व अध्ययन केंद्र का निर्माण होना है सातों परियोजनाएं की लागत जो है कितनी है भाई पाँच सौ करोड़ रुपए है ठीक है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश आधार राशन कार्ड लिंक करने में जो है सबसे आगे रहा तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने वाला राज्य बन गया है और पिछले छः महीनों में खाद्य व रसद विभाग ने रिकॉर्ड एक लाख इकसठ हज़ार दो सौ छप्पन नए राशन कार्ड बनाए हैं और आपको बता दें कि प्रदेश में निन्यानवे दशमलव सेवन नाइन फीसद राशन कार्ड अब आधार नंबर से जुड़ गए हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं तो किसे नियुक्त किया गया है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नवी नियुक्त चौधरी कैफूल वटा ने पदभार ग्रहण किया है आपको बता दें साथ ही में कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद को बनाया गया है और उत्तर प्रदेश फ़ख्रुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का अध्यक्ष जो है अतहर शगीर जैदी को बनाया गया है नेक्स्ट हमारा है अब राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय का नाम तो यानी नाम चेंज किया गया है तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा अलीगढ़ में बनेगा सेना की पिस्टल और राइफल यानी कि अलीगढ़ में अब सेना की पिस्टलें व राइफल बनेंगी इसके लिए विंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस कॉरिडोर में फैक्ट्री स्थापित करेगा आपको बता दें कि अगले साल तक फैक्ट्री में हथियारों का निर्माण शुरू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा है आई आई एम लखनऊ को ग्लोबल रैंकिंग में जो है सेवेंटी नाइनवा स्थान मिला है यानी कि उन्यासीवा स्थान मिला है तो आई आई एम आई आई एम लखनऊ को फाइनेंशियल टाइम्स यानी यूके द्वारा विश्व में टॉप हंड्रेड मैनेजमेंट संस्थानों में उन्यासीवा स्थान दिया गया है जबकि देश में जो है आईआईएम संस्थानों में उसने तीसरा स्थान पाया है इस रैंकिंग में पूर्व छात्रों के ग्राफ संस्थान एवं पाठ्यक्रमों की विविधता और शोध कार्य को प्रमुख रूप से आधार बनाया गया है नेक्स्ट हमारा है झांसी में बनाई जाएगी एसॉल्ट और एस स्नाइपर राइफले तो प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में भारतीय सेना के लिए एसल्ट व स्नाइपर राइफलें और सिक्यूवी क्राइविन कारतूस भी बनाए जाएंगे तथा झांसी नोड में ही पॉलीमर फ्रेम पिस्टल के फ्रेम व अन्य सुरक्षा उपकरण भी बनाए जाएंगे इसके लिए जो है डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम लिमिटेड और वेरी विन वे, वेरी डिफेंस प्राइम लिमिटेड फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कुल 215 करोड़ रुपए का निवेश करेगी नेक्स्ट हमारा है रक्षा उत्पाद कंपनियों की पहली पसंद बना अलीगढ़ तो रक्षा उत्पाद कंपनी की पहली पसंद बना अलीगढ़ भाई क्या ख़ास है तो चलिए बारे में बात करते हैं इसके अलीगढ़ रक्षा उत्पाद कंपनियों की पहली पसंद बन गया है और अलीगढ़ नोड में जो है रक्षा उपकरणों ड्रोन एरोस्पेस उपकरण की और सेना के लिए छोटे हथियार बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं साथ ही आपको बता दें कि झांसी नोट जो है डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम लिमिटेड डेढ़ सौ करोड़ रुपए का निवेश कर असाल्ट स्नाइपर राइफलें बनाएंगी और का, कानपुर नोट जो है कुंगर मोड लिमिटेड 20 करोड़ का निवेश कर सेना के लिए कपड़े तैयार करेगी आधुनिक मटेरियल एवं साइंस प्राइमिक लिमिटेड जो है अड़तीस दशमलव पाँच आठ करोड़ रुपए का निवेश बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएगी नेक्स्ट हमारा है पेप्सिको का प्लांट अब मथुरा में भी स्थापित किया जाएगा तो पेप्सिको ने अपना प्लांट मथुरा में खोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको इंडिया की ओर से लगाए गए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया है इस अवसर पर सी योगी ने कहा कि कोसी कला में इतना बड़ा प्लांट क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों के लिए जो है नया मिल का पत्थर साबित होने जा रहा है यह देश में पेप्सिको का सबसे बड़ा निवेश है ठीक है इस प्लांट से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डेढ़ हज़ार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है इसके साथ ही पाँच हज़ार से अधिक जो है किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा पेप्सिको ने सलाना एक लाख पचास हज़ार टन आलू खरीदने की संभावना जताई है नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा चलिए इसके बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण यानी ईडा में एरिया में जो है नोएडा में बनाया जाएगा ठीक है नोएडा में बनाया जाएगा और इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है पाँच एकड़ के इनक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाएगा और इस सेंटर से जो है स्टार्टअप कंपनियों को भी लाभ मिलेगा दो चरणों में बनाए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो है पाँच हज़ार दो सौ पचास करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा बीस हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा तो ये था हमारा जुलाई और अगस्त के उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद